CRPF फुटबॉल कप 2023 का इनॉग्रेशन किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट के अंदर 16 टीमें सेंट्रल कश्मीर की हिस्सा ले रही हैं, जिनमें 8 टीमें श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से, 4 गंदरबल और 4 बडगाम से हैं। इस टूर्नामेंट का मेन उद्देश्य एक पब्लिक के साथ ब्रिज बनाने का है, कनेक्ट करने का है, और ख़ासकर यूथ के साथ। और स्पोर्ट्स इवेंट से अच्छा कोई और रास्ता नहीं होता है यूथ के साथ जुड़ने का। तो इसी उद्देश्य के साथ, इसी शांति सद्भावना को बनाने के लिए आज हम इस टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं। ये नया कश्मीर है और यहाँ का यूथ ये बहुत आगे जाएगा। मैंने जैसा पहले भी आपको बताया कि हमें उम्मीद है कि इन्हीं लड़कों में, जो कि सारे 16 की 16 टीमों में अंडर 19 लड़के खेलेंगे, इनमें से कुछ लड़के ज़रूर आगे आने वाले समय में हमें इंडिया के लिए खेलते हुए नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स में नज़र आएंगे। तो इसी उद्देश्य के साथ ये टूर्नामेंट कराया जाए। नया साल आने वाला है, ये साल भी काफ़ी खुशगवार रहा, तो आगे आने वाले साल के लिए किस तरह की सिक्योरिटी सिचुएशन डेवलप रहेगी कश्मीर में और क्या सिचुएशन होगी? आगे आने वाला समय आज से बेहतर ही होगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है और इसमें आप सबका सहयोग है। और हमें पूरी उम्मीद है अगले साल हम दोबारा यहीं मिलेंगे इंशाल्लाह, और बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट, इससे बड़ा टूर्नामेंट कराए।